तो दो फिर उठ के रहो, फिर उठो कुर्सी से। नहीं भैया। क्यों? अरे वाह, ये क्या तरीका है, दूरी कायम रहेगी। दूरी कायम रहेगी। सो व्हाट्सअप गाइस, की हालचाल। देखो आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट करना है। व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, बट वैसे हमने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करी थी सुबह से। मतलब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। कन्फ्यूजन इसी करके है कि व्लॉग के अंदर ना थोड़ा सा ना यार कुछ चेंज लेकर आने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ कि व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब इस टाइम से रात को जब व्लॉग एंड करने का टाइम होता है, बट स्टोरी सुनाऊँगा आपको सुबह की। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आज का व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा ना यार कुछ मिर्च मसाला डल सके। कुछ बातें बातें करेंगे, कुछ अपने दिन के रूटीन के बारे में बताऊंगा कि आज देखो मैंने क्या क्या किया, और साथ में बताऊंगा और साथ साथ दिखाऊंगा भी। तो दोनों तीनों चीज़ों को मिला जुला के आज का व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज ना मैं बहुत ही दिनों के बाद सवेरे सवेरे उठेगा वहाँ, मतलब 6 बजे। नहीं तो यार जनरली क्या होता है, मैं 4 बजे तो सो रहे होने का। लास्ट टाइम मैं सवेरे उठा सी जो मैं आगरा राइड से गया सी, खराब हो चुकी है। वैसे तो जो लॉकडाउन का टाइम है ना, उस टाइम तो तैयार अभी सवेरे 11 बजे 12 बजे उठते थे, बट हूँ कम तो जानते गया ना, तो 9 बजे उठते गया एंड उस तो बाद 11 बजे तक अपने काम से पहुँचते गया। बट आज मैं उठा हुआ 6 बजे क्योंकि मैं जाना है किसी के नाल। बट मेरे दिमाग की जगह से यार कि मैं अगर किसी के नाल जा रहा हूँ ना, तो मैं उन्होंने वेट ना करावा, मैं खुद उसकी वेट करा। एटलीस्ट उस बंदे को यह ना फील हो यार कि मैं उन्होंने लेट करा देता है वे। सो इस चक्कर आज मैं जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो गया वा एंड हूँ मम्मा ने सवेरे सवेरे मैंने आज ब्रेकफास्ट में सब तो पहले दिते है छोले ब्लैक वाले, जो मेरे बड़े फेवरेट है ना, मसालेदार होंगे है ना। इधर ना यार मेरी मम्मा ना थोड़ा जाना खट्टा वाला अचार पा दें है, तो खा के मज़ा आ जाता है। हूँ इनू खाते हैं फटाफट, उस तो बाद कि जा रहा वा वो तो बाहर जाके मिलावा। जब जी की होया क्यों परेशान हो रही है? हाँ गर्मी लग रही है, मतलब छोटे छोटे से बच्चे हैं, हले 3 महीने की है नहीं और एसी बंद होया, परेशान होना शुरू हो गई है। निंदर खुल गई है जब जी, और जब जी हाँ गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है तेनू है, और एसी बंद होती हूँ नींदर खुल जाती है, बस परेशान होना शुरू हो जाती है। एसी चला दो। सो भैया लड़का सुबह सुबह उठ के तैयार श्यार हो के ऑन रोड जाके अपने दोस्त की वेट कर रहे हैं, और दोस्त अभी आने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा कि ना थोड़े से सिनेमैटिक्स ले लेते हैं, थोड़े से टाइम लैप्स ले लेते हैं, मतलब जो कुछ दिमाग में आता है ना आप लोगों के लिए, वो चीज़ें हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्त जी, हमारे यशप्रीत सिंह जी, बट वो तो भैया मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें वीडियो में नहीं आना, हमारे सामने अब कैमरा शैमरा मत ऑन करो, हमें थोड़ी सी आज शर्म आ रही है। मैं उसको कह रहा हूँ भाई वीडियो बनाने रहे, मैं सुबह से निकला हुआ हूँ घर से, और देख हम सुबह सुबह तैयार होकर जब घर से निकले हैं ना, और जहाँ भी गुड़गांव साइड पर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत वीडियो शीडियो बनाते हैं, थोड़ी बातें बातें करते हैं, थोड़ा लोगों को गुड़गांव के नज़ारे दिखाते हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं, जो दिल्ली के दूर रहते हैं यार, वो भी तेरे बहाने गुड़गांव देख लेंगे। बट लड़का कहता है कि नहीं यार अभी काम बहुत सारे हैं, तो कैमरा कर दो बंद। और फिर हमें करना पड़ गया कैमरे को बंद, और कैमरा बंद करने के बाद हम चल पड़े गुड़गांव की तरफ। वहाँ पे हमारा सारा दिन निकल गया, काम करते रहे, सड़कें नापते रहे, और भी बहुत सारे कुछ काम थे। एक्चुअल में काम भी कुछ इस तरीके से हैं कि उनको यार हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, कैमराज वगैरह में नहीं लोगों के सामने लेके जा सकते थे, क्योंकि लोग ना कैमरे को देख के डर जाते हैं कि भाई कहाँ से आ गए हो, क्यों आ गए हो, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, कि क्या लोगों को दिखाने वाले हो। मतलब हर बंदा कैमरे को देख के डर जाता है, जिसको नहीं पता होता कि यार ये लोग एक नॉर्मल अपने व्लॉग्स बना रहे हैं। मैक्सिमम लोग कैमरा से बहुत डरते हैं, कैमरा फोबिया होते हैं। सो अपना काम वहाँ पे नहीं बना, सो हम सारा दिन अपना गुड़गांव में घूमते रहे, काम वाम करते रहे और चलता रहा। मैंने ना लिफ्ट पे ऊपर जाना है, बट लिफ्ट का बटन नहीं प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं उठाऊँगा टूथपिक, और टूथपिक से हम करेंगे ऊपर का बटन प्रेस। अच्छा दोबारा टूथपिक को हमने यहाँ पर लगाना है, एंड देन उसके बाद हमने इसको डस्टबिन में डाल देना है। क्या बात है, सही है, मतलब कोरोना से सेफ्टी है ना भाई। सो भैया गुड़गांव में हो गया अपना काम खत्म, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया, बट रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई यार, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ कर देना। बट आपको हम गुड़गांव थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखा देते हैं, सो आप गुड़गांव के थोड़े बहुत करो सिनेमैटिक्स एंजॉय, और उसके बाद हम आपसे सीधा मिलेंगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली मेरे को जाके वहाँ से लेनी है USB केबल लेने जाना है, तो मैं सीधा मिलूंगा आपसे USB केबल वाली दुकान पे। भैया क्या हाल चाल है? भैया डाटा केबल चाहिए एंड्रॉइड की, ये क्या चक्कर है यार, इतनी मतलब दूरियां क्यों है यार ये? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग,
सोशल डिस्टेंसिंग वैसे बड़ी सही वाली करी हुई आपने, मतलब ये कितने फुट की दूरी कर दी आपने? 6 फुट। 6 फुट की सही है तो दो फिर उठ के रहो, फिर उठो कुर्सी से। नहीं भैया। क्यों? अरे वाह, ये क्या तरीका है, दूरी कायम रहेगी। ये बड़ा सही तरीका है यार, और बंदा यहाँ से लेके भाग जाए तो तो मतलब पैसे भी इसके अंदर डालने हैं। सही है भैया, बड़ी सही चीज है यार ये तो। लो भैया पैसे डाल दिए मैंने इसके अंदर, पैसे ठीक ठीक काट लो भैया। भैया आपसे कभी दाना नहीं लेने। वाह, मतलब सैनिटाइजर भी मारोगे पैसों पे। भैया डब्बा भी सैनिटाइज हो गया। डब्बा भी हो गया, सही बात है। नोट भी हो गया। अरे वाह, एक मिनट में सूख जाएगा, पता नहीं लगेगा कि नोट। सही बात है भैया, बहुत सही है भैया। हाँ जी, मतलब ब्लॉग बनाएंगे तो बनाएंगे, ब्लॉग से पीछे नहीं हटेंगे, ब्लॉग बनेगा। और देखो अभी हम जा रहे हैं, एंड हमारे साथ, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं मनी चड्डा जी। यो यो यो, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सुनाओ? ऑल गुड मेट्स, ऑल गुड। चलो फिर चलो, आओ चले। हाँ जी, देखो अपने नाल कौन हैगा अज? मनी भैया। मनी भैया ने नवी नवी साइकिल लेती है, तो मनी भैया ने मैं चुप के ले आया हुआ कि आओ चलिए साइकिल चलाइए और दूर चलिए किधरे। बट भैया कह रहे हैं हाले मेरा स्टेमिना नहीं हैगा वे, तो स्लोली स्लोली डेवलप करके फिर आगे चलेंगे। वैसे कितना लग रहा है भैया? यार बहुत ही, मैं तो लोग कोरोना को गालियाँ दे रहे हैं। हाँ, बट मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, थैंक यू कोरोना आप आए ना होते तो एक तो साइकिल वालों के इतने काम ना चल रहे होते। तो वो तो ये राशन वालों ने भैया, राशन वालों ने लॉकडाउन के बीच में दबा के महंगे महंगे राशन करके बेचा। वी शुड ऑल टॉक पॉजिटिव आल्सो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या है, नेगेटिव बात कर करके आपको उनको घर बैठना है। तो मैं सबको यही बोलूंगा यार, एक तो दमन भाई इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि वो करोगे नहीं तो हमारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। घंटी बजेगी नहीं तो आपको मनी ना मिलता, जिन्होंने की घंटी बजी हुई है उनको मनी मिल रहा है आज तो आप जो देख रहे हो घंटी बजा लो, क्योंकि ऐसे टॉपिक और भी बहुत सारे आने वाले हैं। सही बात है, सही बात है। और साइकिल जरूर ले लो यार, गियर वाली लो, कम्फर्टेबली चलाओ। सही बात है, मतलब अपने हिसाब से ना स्पीड को और सॉफ्टनेस को हार्डनेस को अपने अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल। रेगुलर साइकिल में ना यार ये सब चीज़ें होती नहीं है, और फिर ना उसके अंदर क्या होता है कि इंसान ना लॉन्ग टर्म के लिए साइकिल नहीं चला पाएगा। ये लेगा मतलब अभी आधे घंटे से साइकिल चला रहे हैं। हाँ जी। और ऐसी कोई भी मुझे थकावट कि हाय मैं अब घर जाना है वो नहीं लग रही। हाँ। मन कर रहा है और साइकिल चलाएं और थोड़ी कैलोरीज बर्न हो। हाँ जी। जो कि बैठे बैठे घर में ऐसे हुई थी, तो थैंक यू करोना आप आए हो तभी साइकिल हमारे पैरों में आई है। सही बात है, तभी भैया ने साइकिल भी ले ली है और अब स्टार्ट कर दी है। जरूर साइकिल लें, ब्रांड्स की तरफ मत जाएं, दिखावे में मत जाएं। हाँ। साइकिल लें, गियर वाली लें। बिल्कुल, बिना गियर के बेकार है, बिना गियर मत लें। बिल्कुल। और सबको साइकिल जरूर चलानी चाहिए रोज, पसीना निकालें। बाकी अगर किसी को सिक मास से ही होना तो भैया को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, भैया का इंस्टा का पेज है sick_mass। और हम लोग टर्बन मास्क बनाते हैं, डू बाय फ्रॉम देयर, और प्रोटेक्शन के लिए गुड। बाकी इंजॉय करो यार लाइफ, जियो लाइफ, हर पल की है, अभी का पल है, तो जितना हम वीडियो बना रहे हैं अगले पल का नहीं पता होता, सो इंजॉय द लाइफ। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं, जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं वो भी लिखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई कोरोना को थैंक्स कर रहे हो नहीं कर रहे। वैसे एक चीज़ है भैया, कोरोना के टाइम, मतलब इस टाइम ने ना इंसान की लाइफ पूरी की पूरी बदल के रख दी है, और इंसान को ना लाइफ को जीने का तरीका, वैसे बहुत सारे लोग अगर जो पॉजिटिव लेंगे ना
उन्होंने जीने का तरीका सीख लिया। यार लोग कहते थे फॉरेन जाके हम लोग पहले जाएंगे एक महीना सेटल होंगे वहाँ पे काम खुद करने पड़ते हैं। चार महीने से मैं कपड़े खुद धो रहा हूँ तो फॉरेन जाने की कोई दिक्कत नहीं रही। यहाँ पे भी यही हाल है, मतलब सुबह के टाइम पे मम्मी के साथ उठ के थोड़ा बहुत घर के काम वाम करवा देता हूँ, छोटे मोटे, ज्यादा नहीं करा पाता क्योंकि मेरी दुकान वगैरह खुल गई है ना, मेरे को वहाँ भी जाना होता है। तो दुकान खुलने से ये है कि यार दुकान को भी आपको ऑटोमेटिक कराना चाहिए, बिकॉज मेरी शॉप भी खुली हुई है। हाँ जी, लेकिन मैंने अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह ऐसे लगा रखे हैं कि आई ओनली गो वन डे अ वीक। ओके, और मैं सारा कुछ घर पे बैठ के वॉच करता हूं। यार आप बड़े ना अपडेटेड हो ना यार, एक्चुअली में हम सीख रहे हैं अभी। मेरा ड्रीम था एक्चुअली कि मैं फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ, घर पे गर्म रोटी खाऊँ, हमेशा सोचता था दुकान पे। अरे वाह, सो कोरोना ने मुझे बहुत कुछ दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू कोरोना कि गर्म रोटी भी खाता हूँ, अच्छा साइकिलिंग भी कर रहा हूँ आपके साथ, अच्छा और काम पे भी एक दिन ज्यादा। लाइफ होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो थैंक यू। मैं तो कोरोना को फिर थैंक्स कहूँगा, लोग मुझे कुछ कह रहे होंगे पता नहीं, लेकिन मैं तो थैंक्स कहूँगा कि आपने बहुत कुछ लोगों को सिखा दिया लाइफ में, लोगों की वैल्यू बता दी कि फैमिलीज ही काम आएंगी। बिल्कुल, लोग और चक्रों में चलते रहे और चीज़ें इकट्ठी करते रहे, मटेरियलिस्टिक बनते रहे, लेकिन काम तो फैमिलीज ही आएंगी। सही बात, चलो सही है, मिलते हैं आपसे आगे। यो यो। सो इसी तरीके से अपना सारा का सारा दिन निकल जाता है, कभी सेटिंग कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ काम है, तो जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी कुछ अपनी लाइफ में चल रहा होता है ना, उन सबको छोटा छोटा मोटा मोटा करके रिकॉर्ड करते रहते हैं और रिकॉर्ड करके उसका एक पूरा का पूरा ब्लॉग बना देते हैं। बट देखो, ब्लॉग को एंड करने से पहले ना मैं आप सबको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। टास्क यही है कि आप जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना यार, हर बंदा कमेंट करके हाय लिख कर भेज दे, ताकि मुझे पता लग जाए यार कि मेरी आज वाली वीडियो किस किस बंदे ने देखी है। वो हाय लिख कर भेजेगा ना, मुझे पता लग जाएगा कि मैं सामने वाले बंदे को जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको मैं जानता हूँ कि नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने पुराने सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं कर रहे, तो पता नहीं लगता कि यार किसने वीडियो देखी और किसने वीडियो नहीं देखी। सो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता लग सके कि आपने मेरी वीडियो देखी है। सो यार आई होप कि आपको मेरा आज वाला व्लॉग और आज वाली बातें और आज वाली हरकतें और आज वाली सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग, ये वो अटरम बटरम, मतलब आपको यार अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो ना, तो उसके चक्कर से इस वीडियो को कर देना लाइक, और अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके साथ जो घंटी है वो घंटी भी दबा देना। आपका देखो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट यहाँ भाई को थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। ये खुशियाँ बांटते रहना चाहिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं, हमेशा डबल होती हैं। सो आई होप कि आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो गिव्स अप एक थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जब तक यार हम अपनी एंड में ये वाली लाइन नहीं बोलते ना यार, व्लॉग को ना यार एंड करने का मज़ा नहीं आता। मतलब दिमाग में ना आता रहता है कि यार आज मैंने क्या बोल दिया, रुक जा भाई अपनी लाइन पर आ जा, क्योंकि कंफर्टेबल है वहीं पर ही है। तो भैया जहाँ पर भी जैसे भी आपको मेरा जो भी व्लॉग का पार्ट अच्छा लगा ना यार, उस पार्ट को लेकर ही वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि लाइक कर दिया करो यार, बहुत ज़्यादा वाली सपोर्ट मिलती है लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और एक छोटा सा कमेंट करके। तो यार कमेंट करते रहा करो यार, ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी से, बाय बाय।